नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस चारपाई की बुनाई में मैं आज आपको ये वाले डिजाइन सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये चारपाई की बुनाई करना चाहते हो तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, मैं आज आपको एक एक रस्सी के बारे में अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। तो दोस्तों, अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये ताना खींचा है, बाद में मैंने यहाँ पर सेंटर है जो इस साइड में रस्सी है और इस साइड में बीच का जो सेंटर होता है, ये वाली, ये बीच का सेंटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, शुरुआत से एक उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, इस टाइप से मैंने यहाँ तक की है। यहाँ पर सिर्फ एक ही दबाई, दोनों साइड में तीन तीन रस्सी दबाई और यहाँ पर एक ही दबाई। बाद में मैंने फिर से देखा तो एक रस्सी कम किया है, पहले एक था तो अभी दो रस्सी किया, बाद में तीन तीन का जोड़ बना। और तीसरे नंबर की रस्सी मैंने क्या किया, फिर से तीन रस्सी कम किया और बाद में तीन दबाई, तीन उठे, इस तरह से किया। और यहाँ पर लास्ट में मैंने फिर से यहाँ पर वो किया था, वो एक वाला किया, यहाँ पर एक उठाई थी तो यहाँ पर एक दबाई है, बाद में दो दबाई, तीन दबाई, फिर से एक उठाई, दो उठाई, तीन उठाई, फिर से एक दबाई, दो दबाई और तीन दबाई, इस टाइप से चलता रहेगा और यहाँ पर तीन तीन का जोड़ा रहेगा। यहाँ पर भी ये सेम रहेगा और बीच में एक दबाई, तीन दबाई और पांच दबाई, बाद में तीन तीन के ये जोड़ बनती रहेगी। और आप देख सकते हो एक दबाई, एक दबाई, एक दबाई, वो क्योंकि ये तीन तीन का जोड़ा बनाने के लिए कभी उस टाइप से रस्सी आती है तो एक एक दबानी है, तीन रस्सी के बाद एक दबानी, तीन रस्सी के बाद एक दबानी है, तो इस टाइप से चलेगा। यहाँ पर भी इस टाइप से, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाद में यहाँ पर एक दबाई, तीन दबाई, पांच दबाई, तो एक उठाई, तीन उठाई और पांच उठाई है, फिर से एक दबाई, तीन दबाई, पांच दबाई, फिर से एक उठाई, तीन उठाई और पांच उठाई, इस टाइप से यहाँ तक चलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। बीच का सेंटर है, मान लो कि 51 रस्सी है तो 50 रस्सी इधर रखनी है और 50 इधर रखनी और एक बीच में रखनी, इस टाइप से रखनी, 50 यहाँ पर और 50 यहाँ पर, बीच वाली एक रस्सी यहाँ पर रखनी। तो दोस्तों, आगे की बुनाई हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी आगे की बुनाई की, तो यहाँ पर दोस्तों ये चौरस बन गया है और यहाँ पर ये बड़ा वाला चौरस बन गया। तो दोस्तों, ये कैसे किया तो मैं आपको एक एक रस्सी के बारे में समझाता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन, यहाँ तक तो लाए थे, एक दबाई, तीन उठाई, पाँच, इस टाइप से लाए थे। तो यहाँ पर हमने रस्सी थोड़ी सी चेंज की, यहाँ पर वो मैंने आगे सिखा दिया, तो यहाँ तक आया, तो यहाँ पर तीन उठाई, तीन दबाई और एक रस्सी उठाई थी, फिर से यहाँ पर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, इस टाइप से किया। और ये वाली रस्सी दोस्तों ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो तीन दबाई है और यहाँ पर एक उठाई और फिर से एक दबा दिए, तो आपको भी एक उठानी और एक दबा देनी, फिर से तीन उठाई, यहाँ पर पांच दबाई, इसका भी उल्टा चलेगा, पांच तीन एक, पांच तीन एक, इस टाइप से चलेगा। और हमने यहाँ पर तीन उठाई, एक दबाई, एक उठाई, ये वाला दोनों सेम चलेगा, ये और ये वाला दोनों सेम चलेगा। फिर से यहाँ पर तीन उठा, तीन दबाई और यहाँ पर दो रस्सी उठाई और यहाँ पर भी हमने दो दबाई, फिर से तीन दबाई और तीन उठाई, दो दबाई, दो उठाई, इस टाइप से। और इस वाले रस्सी में हमने तीन उठाई, तीन दबाई, यहाँ पर भी हमने तीन रस्सी उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई और यहाँ पर एक दबाई, यहाँ पर तीन उठाई, तीन दबाई, तो यहाँ पर दोस्तों चौरस बन गया। दोस्तों, आपको ज़रूर में समझ में आ गई होगी। दोस्तों, समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले वाली रस्सी के बारे में आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये
छोटे वाला चौरस या फिर बड़े वाला चौरस हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये दोरी जो सेंडर है, तो यहाँ पर क्या किया था, एक उठाई एक दबाई, दो उठाई दो दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, चार उठाई चार दबाई, पांच उठाई पांच दबाई, छह उठाई छह दबाई, इस टाइप से किया था। तो यहाँ पर चौरस कर दिया। तो सेम यहाँ पर ही एक दबाई एक उठाई, दो दबाई दो उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन, इस टाइप से हमने किया था। और दोस्तों अभी यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिजाइन और भी चेंज कर दी। ये चौरस कम्प्लीट हो गया, ये भी कम्प्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये वाला चौरस इधर बनाएंगे और यहाँ पर हम भी बनाएगी, यहाँ पर चौरस और भी बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने स्टार्ट कर लिया तीन तीन का जोड़ा के बाद। अभी यहाँ पर ये छः दूरी का जोड़ा होने के बाद एक रस्सी हमने यहाँ पर उठाई और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक भी हमने रस्सी उठाई है। और दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, एक एक रस्सी हम ऐसे कम करते करते चलेंगे और यहाँ पर एक एक रस्सी हम कम करते करते चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर चौरस कंप्लीट हो गया और ये वाली डिजाइन भी अभी आप देख सकते हो जो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था आपको यहाँ तक। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीन तीन का जोड़ा के बाद में एक उठाई थी, यहाँ पर भी एक उठाई थी। तो यहाँ पर हमने छः रस्सी दबाई है और एक उठाई, तो यहाँ पर छः दबाई और एक उठाई और बाकी की सब रस्सियाँ हमें यहाँ पर दबाई। तो यहाँ पर हमने 13 रस्सी दबाई थी, बाद में तीन उठाई थी और बाकी छः दबाई थी और एक उठाई थी। छः दबाई एक उठाई, छः दबाई एक उठाई, यहाँ पर ये चलता, छः दबाई एक उठाई, छः दबाई एक उठाई, एक तीन पाँच, तीन एक पाँच, ये वाला चौरस इस तरह से बनाई थी। आप यहाँ पर कितनी भी रस्सी का ताना खींच सकते हो, इसका ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ पर इतना ताना कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 दोरी का यहाँ पर स्टेप बनेगा। 6 दोरी ये और 6 दोरी 6 रस्सी ये वाला, 6-6 रस्सी का ये, तो कुल यहाँ पर 12 रस्सी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो इस टाइप से आए थे, अभी यहाँ से हम रिटर्न चलेंगे क्योंकि हमारी डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिटर्न ले लिया, यहाँ तक एक उठाई थी और पहले एक एक बढ़ाते गए थे, अभी हम एक एक कम करते करते चलते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो एक कम किया, यहाँ पर भी एक रस्सी कम की, यहाँ पर कम की। तो यहाँ पर 5 रस्सी दबाई, तो यहाँ पर 5 रस्सी दबाई, यहाँ पर 3 रस्सी हमने दबाई थी, यहाँ पर 3 दबाई, यहाँ पर 1 दबाई थी, तो यहाँ पर भी हमने 1 दबाई। इस टाइप से यहाँ पर भी आप देख लो, 5 दबाई 5 दबाई, 3 दबाई 3 दबाई, 1 दबाई तो 1 दबाई, इस टाइप से हमने भी यहाँ पर किया। और आगे यहाँ पर देख सकते हो एक दबाई एक दबाई, तीन दबाई तो हमने भी तीन, यहाँ पर 3 दबाई, 5 दबाई तो 5 दबाई। तो यहाँ पर उल्टा चलना है, तो यहाँ पर भी उल्टा चलना है, जो यहाँ पर रस्सी है एक एक रस्सी को आगे ऊपर ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर नीचे आना, तो इस टाइप से डिजाइन बनती है। तो दोस्तों हम लास्ट तक आपको दिखा देंगे किस तरह से बनाते हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये चौरस कम्प्लीट हो गया और यहाँ पर भी चौरस कम्प्लीट हो गया है। और अभी हम यहाँ पर कुछ नई डिजाइन बनाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बना था, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया इतना, अभी हम ये बनाएंगे। तो यहाँ पर एक दबाई थी, तो यहाँ पर भी हमने एक दबाई, अभी दो दबाएंगे, बाद में तीन दबाएंगे, चार दबाएंगे, पांच और छः दबाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो यहाँ पर बुनाई करेंगे और ये है वो यहाँ पर आपको भी देखने मिलेगा। और यहाँ पर अभी चौरस बन रहा है इस टाइप का, अभी जो ये चौरस बनाया था वो चौरस यहाँ पर भी हम अभी बनाएंगे। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से बुनाई करते हैं हम। तो तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई और यहाँ पर तीन दबाई और यहाँ पर पांच, क्योंकि हमने पांच क्यों रखी, तो यहाँ पर एक एक दबाते हैं वो भी नेक्स्ट रस्सी में यहाँ पर एक दूरी रस्सी हम दबाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक दबाएंगे और बीच में से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने एक उठाई और यहाँ पर हम एक उठाएंगे। ये आधा आपको समझ में आ गया, दे आपको समझ में आ गया इस तरह से यहाँ पर, और आप इधर देख सकते हो और यहाँ पर भी इस टाइप से बुनाई करते हैं। और यहाँ से एक दबाई थी, अभी यहाँ पर हम तीन दबाएंगे, इस टाइप से हम काम करते हैं और भी आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर भी एक दवा, क्योंकि यहाँ पर पांच रस्सी उठाई थी तो यहाँ पर हमने अभी एक दवा दी, यहाँ पर जो एक दवा यहाँ पर भी हमने एक 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 रस्सी सब जगह पर दबाई थी। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने एक एक रस्सी दबाई और यहाँ पर तीन दिन का जोड़ा, यहाँ पर भी तीन दिन का, ये चौरस कम्प्लीट और ये चल रहा है। अभी यहाँ पर एक दबाया था तो यहाँ पर भी हम अभी एक रस्सी दबा दी है और यहाँ पर भी हम एक एक का जो जो दबा रस्सी दबाई थी वो भी यहाँ पर भी हमने स्टार्ट कर दी है। और आपको दोस्तों ये डिजाइन कैसी लग रही है, आपको कोई अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है और दिख नहीं रही है तो हमें आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करना एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन, ताकि आपके दोस्तों को भी चारपाई की बुनाई करनी है तो आसानी से ये वीडियो देखकर चारपाई की बुनाई कर सके। और दोस्तों ये गुंडी वाला भी वीडियो मैंने अगले पार्ट में दिखा दिया है, ताना कैसे खींचते वो भी हमने अगले पार्ट में दिखा दिया है। तो अभी अगले वाले रस्सी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर भी ये था और यहाँ पर, तो यहाँ पर इस यहाँ पर तक आ गई, यहाँ पर एक उठाई थी, यहाँ पर भी एक उठाई। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो ये और ये भी सेम है, यहाँ से आप देख सकते हो जब चलते हैं तो यहाँ पर भी ये स्टेप ज़्यादा है। तो ये दोस्तों अलग अलग फूल के डिजाइन हैं, आप देख सकते हो। इधर अभी हम ये कंप्लीट होने की तैयारी और आगे हम भी इस टाइप से थोड़ी सी अलग टाइप के हम यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे तो उसका भी हम वीडियो आपको दिखा देंगे। तो अभी आगे चलते हैं, इस रस्सी में तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई। तो दोस्तों अभी आगे नहीं चलना, अभी यहाँ पर रिटर्न हो जाना है और यहाँ पर पांच दबानी है, तीसरी रस्सी है। दोस्तों एक दबाई थी, बाद में तीन और यहाँ पर भी तीसरी रस्सी में हम पांच उठाएंगे, बाद में भी इस टाइप से आगे आगे चले जाएंगे। यहाँ पर भी एक दबाई थी, यहाँ पर एक दबाई, दो उठाई तो यहाँ पर भी दो उठाई, अभी यहाँ पर तीन आएगी। इस टाइप से आगे आगे बढ़ते रहना, कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स करके बता देना, तो हम अगले पार्ट में आपको, कई सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कम को समझ नहीं आए तो हम अगले पार्ट में उनको ज़रूर समझा देते हैं ताकि उनको चारपाई में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों मैं अगले चारपाई में और नए डिजाइन बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसमें मैं कैमल यानी कि ऊँट बोलते हैं, ऊँट की डिजाइन में बनाने वाला हूँ। तो वो भी आपको सीखनी है तो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नई वीडियो आएगी तब आपको समझ आएगी। कैमल की हम बनाने वाला है और एलिफेंट की हम डिजाइन भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक चौरस कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर भी चौरस था और यहाँ पर अभी ये जो चौरस है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कितने चौरस बनेंगे, तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ और दस, दस चौरस वाले हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये रस्सी का कलर कैसा लग रहा है और दोस्तों हमारे डिजाइन कैसे लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना।